गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देख बेटा, कल अपन ने रेजिस्टेंस तक के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर अपन आगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा। कल अपन ने पढ़ा फिर से केवीएल केसीएल के बारे में, ठीक। किरचॉफ के नियम पढ़े थे अपन ने कल, इस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, विद्युत सेल। विद्युत सेल का आता बच्चों, विद्युत सेल या कहते हैं बैटरी, ये करती है, ये सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसके अंदर बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसकी सहायता समझा करते हैं, केमिकल एनर्जी में से जो इलेक्ट्रिकल सेल है ये केमिकल एनर्जी को, मतलब रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी बच्चों इसमें इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में होती है, जिससे बच्चों यहाँ पे ये सेल है, ठीक है। ये सेल कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सेल है, ये एरोड, ये कैथोड है, और अंदर यहाँ पे विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य कहते हैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के लिए की बात है, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य भरा होता है इसके अंदर। और यहाँ पे इसी के अंदर, यहाँ पे इसी मतलब एक्चुअल में सेल का जो वास्तविक संरचना है कुछ इस तरह से ही होती है। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड, और यहाँ पे इसमें विद्युत अपघट्य भरा होता है, ठीक है। ये एक सेल का वास्तविक परिपथ इस तरह होता है बच्चों। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस प्रकार से दर्शाते हैं सेल को, ठीक है। ये ई, ये आर, ठीक है। इस तरह से हम सेल को दर्शा रहे होते हैं इलेक्ट्रिक परिपथ के अंदर। यहाँ बच्चों कैपिटल ई क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है। ये कोई बल नहीं होता, अपन सोचे इसके एक बल है, बल का मात्रक न्यूटन है, नहीं। ये बच्चों एक वोल्टेज के रूप में होता है, इसको हम सेल का वोल्टेज भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। किसी भी बैटरी पे जो वोल्टेज लिखा होता है, जैसे आपने कोई भी सेल देखा होगा, हर सेल पे उसका एक वोल्ट लिखा होता है, 1.5 वोल्ट है या 10 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, उसे हम बोलते हैं सेल का ईएमएफ। मतलब ये जो सेल का ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। और आर क्या बच्चों? यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हम जानते हैं सेल द्वारा धारा प्रवाहित होती है, तो सेल के अंदर जो आंतरिक जो संरचना है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट भी है, कैथोड एनोड भी है, इनके द्वारा भी धारा का कुछ विरोध भी हो रहा था, ठीक है। सेल धारा प्रोवाइड करता है, धारा देता है परिपथ को, लेकिन खुद के द्वारा भी कुछ ना कुछ विरोध हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टा बोलते हैं, या कहते हैं टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। इसका मात्रक भी क्या बच्चों? वोल्ट है, ठीक है। वी ए बी मतलब सेल के सिरों के मध्य विभवांतर, मतलब ये सिरे, ये ए और ये बी सिरे, इन सिरों के मध्य विभवांतर है, इसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर, टीपीडी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये अपन चाहे तो प्लस माइनस दिखा दें, एक ही बात है, प्लस माइनस दिखा दिया, ठीक है। या चाहो तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही बात है, यहाँ लिख दो प्लस या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आर क्या बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर यहाँ पे अगर हम मानक सेल की बात करें, स्टैंडर्ड सेल, कई बार क्वेश्चन देखते हैं लिखा होता है मानक सेल। मानक सेल किसे कहते हैं? मानक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल फिक्स होता है, निश्चित होता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता और ना ही उसके आंतरिक प्रतिरोध पे निर्भर कर रहा होता है। मतलब ई का मान फिक्स होता है, ये विद्युत वाहक बल ई का मान फिक्स है, ठीक है। तो मानक सेल क्यों क्या होते हैं? कैडमियम सेल, डेनियल सेल, ठीक है, जो अपन प्रैक्टिकल में काम में लेते हैं ना, जैसे 12th क्लास में आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है, तो उन प्रैक्टिकल्स में सेल काम में लेते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? कैडमियम सेल, डेनियल सेल जो होते हैं, उनका ई क्या होता है? जो फिक्स होता है, विद्युत वाहक बल फिक्स होता है, ठीक है। हम कहते हैं दैट इज नॉट डिपेंड ऑन आर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता और ना ही समय पर निर्भर करता है, मतलब फिक्स होता है इसका मान, ठीक है। ये चीज अपन देखी, ठीक है। सेल को इस प्रकार से निरूपित कर रहे हैं, वास्तविक सेल ऐसे निरूपित इस प्रकार से करते हैं हम, आगे परिपथ में यही चीज काम में लेंगे। इसको तो यहाँ समझा दिया, लेकिन आगे कोई यूज नहीं है, हमें केवल इसी चीज को समझनी है, ठीक है। ई हो चाहे वी ए बी हो, दोनों के मात्रक क्या होते हैं बच्चों? वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, टर्मिनल विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टा भी कहते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में कहता है टर्मिनल वोल्टा ज्ञात कीजिए, तो वही आपसे टर्मिनल विभवांतर ही पूछना चाहता है। मतलब वी ए बी को हम वी बी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टा। तो बच्चों इस वी ए बी का मान क्या? ई। देखिए वी ए बी मतलब वी, वी का मान क्या होता है? ई के बराबर होता है। कब होता है ई के बराबर? जब सेल से हम कोई धारा नहीं ले रहे होते, मतलब सेल को आपने किसी परिपथ में कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट किया भी है, मान लो कुंजी आपने ऑफ कर रखी है, मतलब सेल से कोई धारा निर्गत नहीं हो रही, अर्थात सेल अगर किसी खुले लूप में है, अर्थात सेल से धारा निष्कासित नहीं हो रही, ना सेल धारा ले रहा है ना सेल दे रहा है, तो उस समय V का मान E के बराबर होता है, मतलब V बराबर E। तो सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है, मतलब टर्मिनल विभवांतर है, वो उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जब सेल खुले लूप में है, अर्थात इसमें I का मान जीरो है, ठीक है। लेकिन बच्चों जब सेल से धारा निर्गत हो रही होती है, अर्थात सेल
किसी परिपथ को धारा दे रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल अपन देख लें, मान लो जैसे आप कोई मोबाइल की बैटरी है, अभी आपने मोबाइल को ऑफ कर रखा है, स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, उस समय हम देख रहे हैं मोबाइल की जो बैटरी है उस बैटरी से मोबाइल के परिपथ को कोई धारा नहीं दी गई होती, तो उस समय हम देखते हैं उस सेल की जो मोबाइल की जो बैटरी है, मोबाइल की बैटरी का अगर अपन विभवांतर निर्ध्यात करेंगे वो उस बैटरी के ईएमएफ के बराबर ही आएगा, मतलब वी का मान क्या आएगा, ई के बराबर। लेकिन अपन ने स्विच को ऑन कर दिया, फिर हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो सेल जो अंदर है मतलब जो बैटरी है उस बैटरी से धारा निकल के कहां जा रही है, मोबाइल के परिपथ में जा रही है, ठीक है, जिससे मोबाइल वर्क कर रहा है। तो इस समय अब उस बैटरी के सिरों पर विभवांतर निकालोगे ना वी का मान, तो वी का मान क्या आएगा, ई माइनस आई आर, ये होता है सूत्र, वी बराबर ई माइनस आई आर, मतलब वी का मान थोड़ा घट जाता है, ठीक है, वी का मान थोड़ा घट जाता है, मतलब वी का मान क्या आ रहा है, लेस देन ई, अर्थात वी इज लेस देन ई आ रहा है, वी लेस देन ई, हम देख रहे हैं v बराबर क्या, e माइनस आई आर। तो जो उस बैटरी की टर्मिनल वोल्ट है वो उसके विद्युत वाहक बल से कुछ कम प्राप्त होती है, v बराबर e माइनस आई आर होता है, और हम देखते हैं धीरे धीरे वो जो मोबाइल की बैटरी है निरावेशित होने लगती है, ठीक है, चार पांच घंटे फिर लगातार यूज करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है पूरी तरह से। तो कहना मतलब ये कि जब हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं अर्थात उसकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, निरावेशित होती जा रही है, उस समय v बराबर क्या आ रहा है, e माइनस आई आर। तो देखो जब इससे आई निर्गत हो, मतलब जब सेल से धारा निर्गत हो रही होती है, मतलब बैटरी से धारा निर्गत होकर परिपथ में जा रही है, अर्थात इस सेल का निरावेशन हो रहा है, उस समय V बराबर क्या आता है, E माइनस आई आर। परंतु जब आवेशन हो, कैसे, जब अपने मान लो चार्जर मोबाइल को लगा दिया, चार्जर पे मोबाइल को अपने चार्जर पे लगा दिया, तो अब सेल का आवेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उस बैटरी का आवेशन स्टार्ट हो जाएगा, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उस समय अब V बराबर क्या आएगा, E प्लस आई आर। क्यों, क्योंकि चार्जर से जो करंट है वो मोबाइल के अंदर अब एंटर कर रही है, ठीक है, जो मोबाइल की बैटरी है उस बैटरी के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो जब धारा इसमें निवेशित हो रही हो, अर्थात सेल का क्या होता है, आवेशन हो रहा होता है, तो आवेशन के समय क्या होता है, V बराबर E प्लस आई आर, अर्थात V का मान E से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, हम कहते हैं अर्थात V इज ग्रेटर देन E, V का मान E से ज्यादा आता है, कब, मोबाइल के आवेशन के समय, मतलब बैटरी के आवेशन के समय यह मान आपको प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। तो धारा इसमें निवेशित होती है, अर्थात यहाँ पे इसका क्या हो रहा था, आवेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो आवेशन परिपथ में V बराबर E प्लस आई आर, और निरावेशन के समय V बराबर E माइनस आई आर, और जब सेल से कोई धारा नहीं जा रही तो उस समय V बराबर E आता है, ठीक है, ये देख लिया। और जब फिर बताया था सेल के आंतरिक सिस्टम के कारण धारा के विरोध को हम क्या बोलते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, क्यों बच्चों की सेल से धारा गुजर रही है तो घूम फिर के इसके अंदर से भी जाती है, सेल के अंदर से भी गुजरती है, ठीक है, बाहर सेल के क्या होता है, सेल के प्लस से धारा निकली किसी परिपथ से घूम फिर के आई फिर अंदर से इधर जाती है, ठीक है, सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित होती है, तो अंदर के कारण, सेल के अंदर के कारण जो धारा में विरोध हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात हम कहते हैं आर, आर क्या है, ये अंदर की बात है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। अब बच्चों इस आंतरिक प्रतिरोध का मान किस पे डिपेंड करता है, किस किस राशियों पे, तो देखिए पहला बच्चों, इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज इंक्रीज, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ना, एनोड कैथोड, इन कैथोड के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर आर का मान क्या होता है, बढ़ता है, आर इंक्रीज, ठीक है। इफ डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज इंक्रीज, मतलब इनको हम ज्यादा डुबो दें, ठीक है, इन एनोड कैथोड को इसमें इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा डुबो देंगे, डिप्ड एरिया को बढ़ा देंगे, तो उस केस में प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, कम हो जाएगा। और इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज, मतलब सांद्रता बढ़ा दें, मतलब ये जो है इसको हम कम डाइल्यूट रखें, अर्थात की सांद्रता ज्यादा रखें, तो जितना ज्यादा सांद्रता होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये जो आपको समझाया मैंने, इसकी एक ट्रिक भी है, सिंपल सी ट्रिक, इसको अपन ऐसे याद करते हैं आराम से डिपेंडेंसी को, तो उसकी ट्रिक क्या, देखिए ट्रिक, आर इज इक्वल टू प्रतिरोध, प्रतिरोध आर इज इक्वल टू, आर समानुपाती, आर समानुपाती रो एल अपॉन ए, अपन पढ़ चुके हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए, ठीक है, आर इक्वल टू एल अपॉन होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर अपन एल का मान बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, दिख ही रहा है, एल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, ठीक है, प्रतिरोध आर समानुपाती रो एल अपॉन ए होता है, एरिया बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, ठीक है, विद्युत के अनुपाती आ रहा है, ए बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, और सांद्रता बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, ठीक है, आर बढ़ाने पर रो का मान बढ़ाने पर आर का मान बढ़ता है, ठीक है, ये चीज अपन देख ली, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, सेल के निरावेशन की स्थिति में वी आई ग्राफ बनाना है, ठीक है, मतलब सेल के निरावेशन की स्थिति में वी आई ग्राफ बनाना है, मतलब इस तरह से डायग्राम में देखिए, ये सेल है, इस सेल को आपने किसी परिपथ से जोड़ दिया, ठीक है, जब भी अपन किसी सेल को किसी परिपथ से जोड़ देते हैं, मतलब किसी प्रतिरोध से जोड़ते हैं, तो सेल के द्वारा उस परिपथ से, उस प्रतिरोध से धारा गुजरने लगती है, धीरे धीरे सेल का निरावेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलो देखिए इस प्रकार से, यहाँ से सेल है ई कोमा आर,
ठीक है, ये ई आर है, यहाँ से इस बैटरी से हम इसका धन सिरे से अपन यहाँ से प्रतिरोध जुड़ा, तो आर से यहाँ से धारा गुजर रही है, इसे बी में प्रवेश कर रही है, घूम फिर के आपस सेल में से जा रही है, प्लस से धारा निकली और घूम के देखो माइनस के अंदर में एंटर भी कर रही है। तो इस प्रकार से ये हमने क्या दिखा दिया, सेल का धीरे धीरे निरावेशन हो रहा है, सेल के प्लस से धारा निकल रही है। ठीक है, निरावेशन के समय सेल का जो प्लस है वहां से धारा निकलती है इस प्रकार से। और जो यहाँ पे हमें इसी के लिए हमें बनाना है वी आई ग्राफ बनाना है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो यूं कहना चाहता हूँ कि सूत्र जो है ये क्या आ रहा है बच्चों, सेल का निरावेशन, निरावेशन के समय सूत्र क्या होता है, वी बराबर ई माइनस आई आर, कहाँ से आया वो सिखाने जा रहा हूँ आपको। देखिए इधर बच्चों, यहाँ पे मैं वी ए बी का मान निकाले, मतलब टर्मिनल वोल्ट था, देखिए वी ए बी, वी ए बी बराबर क्या होता है वी ए माइनस वी बी, सिखाया था आपको उसमें वी ए माइनस वी बी, मतलब टर्मिनल वोल्ट था। अच्छा कैसे निकालते हैं वी ए माइनस वी, कल पढ़ा है अपन ने, सिग्मा वी लगाएंगे, सिग्मा वी फ्रॉम बी टू ए, सिग्मा वी फ्रॉम बी टू ए, तो बी से चलना है ए तक, बी से ए तक चलना है, सिग्मा वी करना है, तो इस वी ए बी का मान तो वी रख दिया मैंने, उसको वी का मान वी रख दिया, तो वी बराबर बी से चले, बी से चलेंगे पहले बच्चों क्या है आंतरिक प्रतिरोध, हम चल रहे हैं धारा की दिशा में, तो क्या लिखेंगे माइनस का आई आर, ठीक है, और फिर आगे गए, फिर एक सेल आया माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे प्लस ई, ये लो वी बराबर माइनस आई आर प्लस ई, ये आ गया रिजल्ट। तो आप गौर देखिए, झूठ थोड़ा बोला था आपसे मैं, वही आ रहा है रिजल्ट, देखिए वी बराबर, वी बराबर ई माइनस आई आर, वही है वी बराबर ई माइनस आई आर ही बन रहा है, ठीक है। अर्थात बच्चों आप देखें ये बच्चों एक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रूप बन रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ पे सरल रेखा रूप में आएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये अगर हम जो ग्राफ बनाए वी वर्सेस आई ग्राफ बना रहे हैं, वी वर्सेस आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी का मान तो प्लस ई मतलब पॉजिटिव है और एम का मान नेगेटिव रूप में आ रहा है, अर्थात इस तरह से स्लोप तो आएगा नेगेटिव और यहाँ पे अंतखंड का मान पॉजिटिव आएगा, इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए थीटा एंगल बोल दें, ये एंगल थीटा है। अच्छा बच्चों ये बिंदु और इस बिंदु के मान क्या होंगे, ये बिंदु किसको दर्शा रहा है, देखिए इस बिंदु का मान आप यूं समझे बच्चों, ये कौन सी अक्ष है, ये वाई अक्ष, हम जानते हैं वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक जीरो होता है, जानते हैं आप वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक जीरो होता है, एक्स मतलब आई, आई का मान जीरो होगा, तो इस वाई अक्ष पे आई का मान जीरो है, तो यहां रखते हैं इस समीकरण में आई का मान जीरो करो, आई का मान जीरो रखोगे तो ये चीज जीरो जाएगी, तो वी बराबर कितना है ई, मतलब इस जगह वी का मान कितना रहा है ई आ रहा है, तो ये बिंदु किसको शो कर रहा है ई को, ये बिंदु ई को दर्शा रहा है। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखते हैं इस पे ये कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक जीरो होता है, मतलब वी का मान जीरो होता है, तो इस समीकरण में वी का मान जीरो करो, तो इसको जीरो करोगे, ठीक है, तो जीरो बराबर माइनस आई आर प्लस ई, इसको उठा के ले आओ, तो ई बराबर आई आर, तो आई बराबर ई अपॉन आर, तो आई बराबर ई अपॉन आर, ये बिंदु इसको दर्शा रहा है ई अपॉन आर को, ये बिंदु ई अपॉन आर को दर्शा रहा होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम बच्चों ये जो थीटा है यहाँ पे टेंट अपन देख सकता है, हियर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बता रहा हूँ आर को, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बता रहा होता है टेन थीटा, इसके आंतरिक प्रतिरोध को दर्शा रहा होता है, ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कई बार हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि सेल का आंतरिक चालकत्व क्या है, तो बच्चों प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं चालकत्व, आपको समझाया था मैंने, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस बोलते हैं, तो यहां से हम एक नॉट के रूप में लिखा जाए तो लिखते हैं नॉट सेल का आंतरिक चालकत्व, चालकता नहीं कह रहा चालकत्व कह रहा हूं चालकत्व, जी बराबर वन अपॉन आर, जी बराबर क्या होता है वन अपॉन आर, तो यहां से बच्चों आर का मान टेन थीटा है तो वन अपॉन टेन थीटा, मतलब ग्राफ आपको दे दे क्वेश्चन में पूछे सेल का आंतरिक चालकत्व क्या होगा, तो कुछ नहीं वन अपॉन टेन थीटा कर दो क्या जाएगा आंतरिक चालकत्व के रूप में ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपने क्या समझा बच्चों, ये निरावेशन की स्थिति में वी आई ग्राफ बनाया उसके रूप लिख दिए इस प्रकार से। ऐसे बच्चों अगर आवेशन की बात करें होते देखिए नोट के रूप में अपन देखें आवेशन, ठीक है, आवेशन की स्थिति क्या होती है बच्चों, आवेशन के केस में क्या होता है, ये तो निरावेशन हो गया, आवेशन कैसे करते हैं, जैसे आपको बताया था वॉइल को अगर अपन किसी चार्जर से जोड़ देते हैं या किसी बड़ी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो बड़ी बैटरी से अब धारा उस सेल के अंदर प्रवेश करने लगती है, मतलब उस बैटरी के अंदर जो छोटी बैटरी मतलब वॉइल है उसमें धारा प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे मोबाइल का आवेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब आवेशन का डायग्राम भी समझ सकते हैं इस प्रकार से। ये बच्चों हमारा दिया गया सेल है किसी बड़ी बैटरी की सहायता से, मतलब कोई बड़ी बैटरी है इस तरह से, बड़ी बैटरी मतलब बहुत सारे सेलों का संयोजन मान लो इस तरह से, ये कोई बड़ी बैटरी है, इस बड़ी बैटरी की सहायता से इसमें यहाँ बड़ी बैटरी धारा इसने प्रवेश करी, इसके अंदर धारा गई आई, ठीक है, इससे धारा इसके अंदर प्रवेश करती गुजर रही है। अब यहाँ पे इस समय अगर अपन देखेंगे बच्चों, इस समय आप देखिए ये धारा इसके सिरों के मध्य प्रवेश कर रही है, इसमें धारा इसमें बच्चों प्रवेश कर रही है सेल के अंदर, प्लस सिरे में धारा एंटर कर रही है, तो अब क्या सेल का क्या हो रहा है आवेशन हो रहा है,
तो इस समय यहाँ पे निकालेंगे इस समय हियर VAB निकालना आपको, तो VAB का मान मतलब VA माइनस VB क्या करेंगे बच्चों, सिग्मा V लगाएंगे, सिग्मा V फ्रॉम B टू A, B से लेकर A तक सिग्मा V का उपयोग करें, तो बच्चों B से A तक चलना है तो VAB तो V हो गया, ठीक है। अब यहां से चले तो पहले बच्चों धारा के ऊपर चल रहे, धारा के ऊपर चल रहे तो क्या जाएगा प्लस आई आर, ठीक है, तो प्लस आई आर, फिर आ गया है माइनस से प्लस गए प्लस ई, तो प्लस ई आ गया रिजल्ट। तो अब क्या क्या जाएगा वी बराबर यह जाएगा आई आर प्लस ई, तो वही तो लिखा था बच्चों यहाँ पे देखिए V बराबर क्या होता है E प्लस आई आर, मतलब इस समय हम देख रहे हैं V का मान E से ज्यादा आ रहा है, पता है V इज ग्रेटर देन क्या है बच्चों E, V इज ग्रेटर देन E, ठीक है। ये तो बच्चों वैसे अब हम देखें इनमें से आवेशन और निरावेशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट है वो ये है, ठीक है, कि हम जितने भी क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी पे आते हैं आवेशन पे, तो हम इसी सर्किट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, कैसे देखिए। तो देखिए बच्चों आपसे मैंने कहा कि यहाँ पे डिस्चार्जिंग वाला जो परिपथ है निरावेशन वाला परिपथ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी को अपन यहाँ डिटेल में देख रहे हैं। ये मैंने दोबारा बना दिया परिपथ, ठीक है, तो जो सेल है यहाँ से ये इसका आंसर को तो दिखा दिया, ये धारा प्रतिरोध है कैपिटल आर जिससे हम देख रहे हैं सेल से धारा निकल के आर में प्रवेश कर रही है, तो सेल धीरे धीरे निरावेशित हो रहा है, ठीक है। तो इस परिपथ में देखते हैं क्या होता है, इस परिपथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे वी बराबर कितना बच्चों ई माइनस आई आर, ठीक है, इस परिपथ में V बराबर E माइनस आई आर, ये अपन देख ही रहे, ये दिखने को मिल रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम इसमें धारा का मान निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ठीक है, I बराबर हम देखते हैं I बराबर ये होता है E नेट अपॉन R नेट, I क्या बच्चों कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, I बराबर नेट विद्युत वाहक बल बटा नेट प्रतिरोध, E नेट अपॉन R नेट। अब बच्चों E नेट यहाँ पे देखिए पूरे सर्किट में केवल एक ही बैटरी है तो वही E नेट बनेगा, E बटा आर नेट। अब बच्चों गौर से देखिए एक सिंगल लूप है, ठीक है, और सब में धारा आई गुजर रही है, इस प्रकार से आई प्रवेश करके या सब में आई जा रही है, सिंगल लूप है, और सिंगल लूप जब भी सिंगल लूप होता है उसे क्या मानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सिंगल लूप आपको दिखा रखा है, ठीक है, और बीच में कोई संधि बिंदु नहीं है, सिंगल लूप है, सब में धारा आई समान प्रवाहित हो रही है, तो ये श्रेणी क्रम होता है, तो श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या जाएगा आर प्लस आर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया मैंने, ठीक है, बात पहले पड़ी। अब बच्चों उसके बाद देखिए यहाँ पे अपन ने अभी ये V बराबर E माइनस आई आर कैसे निकाला था, KVL लगाकर। अब बच्चों KVL के लिए हमने कौन से पथ का उपयोग किया था B से A तक जाने के लिए, इस पथ का, ठीक है, हम इस पथ का भी तो उपयोग कर सकते थे, चलो नीचे वाले पथ का उपयोग करते हैं, तो देखिए क्या बनता है रिजल्ट, तो V बराबर देखिए VAB बराबर क्या होता है यहाँ पे VAB बराबर सिग्मा V फ्रॉम B टू A, सिग्मा V फ्रॉम B टू A कर रहे हैं, नीचे वाले पथ का उपयोग कर रहे हैं नीचे वाले पथ से, ठीक है, नीचे वाले पथ से, नीचे वाले पथ का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो नीचे वाले पथ का उपयोग करें तो यहाँ पे VAB का मान तो मैंने V रख दिया, ठीक है, अब नीचे वाले पथ का उपयोग करेंगे क्या, देखिए यहां से जा रहे इधर यहाँ गए प्रतिरोध आया, हम चल रहे हैं धारा के विपरीत क्या जाएगा प्लस आई आर, तो V बराबर क्या जाएगा आई आर, ठीक है, V बराबर जाएगा आई आर। अब यहाँ पे आई का मान समीकरण दो से रख दो, तो समीकरण दो से रख देंगे तो कितना जाएगा V बराबर क्या जाएगा V बराबर आई का मान रख दें ई अपॉन R प्लस आर इंटू आर, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर थ्री लिख दिया, इक्वेशन नंबर थ्री। अब यहाँ पे ये तीन इक्वेशन बन गई, तीनों काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मतलब समझे कि हमें सेल की टर्मिनल वोल्टेज अगर हमें समझनी है टीपीडी का मान, तो V बराबर E माइनस आई आर भी सही है, और नीचे से जो प्रतिरोध R जा रहा है तो यहाँ से निकालते हैं V बराबर आई आर आ रहा वो भी सही है, V बराबर आई आर भी सही है, V बराबर E माइनस आई आर भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है, मतलब कैपिटल R की जानकारी दे रखी है तो V बराबर आई आर लगा दो, और अगर आंतरिक प्रतिरोध और बैटरी जानकारी दे रखी है तो लगा दो V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन पे क्वेश्चन क्या बनते हैं समझना बच्चों, यहाँ पे देखो इन तीनों इक्वेशन बच्चों E को मार कैपिटल E स्मॉल आर यहाँ भी है, कैपिटल E स्मॉल आर यहाँ भी है, कैपिटल E स्मॉल आर यहाँ भी है, तीनों इक्वेशन में कैपिटल E स्मॉल आर उपस्थित है। अब बच्चों क्वेश्चन में आपको दो जानकारियां दे रखी होती है अलग अलग, दो अलग अलग जानकारी दे रखी होती है और पूछता है E कॉमा आर का मान बताइए, तो चलो देखो क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे देखिए E कॉमा स्मॉल आर के अलावा दो राशियां कौन सी है, तो वोल्टेज और एक करंट, तो क्वेश्चन में अगर आपको V एंड I की दो जानकारी दे रखी है, V तथा I के बारे में दो जानकारियां दे रखी है, तो समीकरण एक की सहायता लेते हैं। ऐसा सोचो देखिए सेकेंड समीकरण में कैपिटल आई और कैपिटल आर है, ई कॉमा स्मॉल आर के अलावा कौन है कैपिटल आर स्मॉल आई कैपिटल आई, तो चलो क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल आई और एंड कैपिटल आर के बारे में दो जानकारी दे रखी है तो समीकरण दो की सहायता लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल वी एंड कैपिटल आर एक्स्ट्रा है, तो अगर क्वेश्चन में वी कॉमा कैपिटल आर की दो जानकारी दे रखी है तो इक्वेशन तीन की हेल्प लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ बच्चों, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन अपन सॉल्व करें इसी बेस। जब सेल से 2 एम्पीयर धारा ली जाती है तो टीपीडी 11 वोल्ट प्राप्त होती है, जबकि दुगनी धारा लेने पर टीपीडी 7 वोल्ट रह जाती है। तो बच्चों हमें दो जानकारी दे रखी है, किसके बारे में? एक तो धारा के बारे में और एक वोल्टेज के बारे में। तो धारा और वोल्टेज दोनों इसमें, ये रहा वी और आई इसमें है। तो समीकरण एक की हेल्प लेंगे, ठीक है, समीकरण एक की सहायता सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे कर रहे हैं सॉल्व, सॉल्यूशन अपन समझे। यहाँ पे समीकरण एक ले रहे हैं, वी बराबर ई माइनस आई आर का उपयोग कर रहा हूँ, वी बराबर ई माइनस आई आर। देखिए पहले बच्चों यहाँ पे आपको वोल्टेज का मान कितना दिया, 11 वोल्ट। कब, जब धारा कितनी है 2 एम्पियर है, तो समीकरण एक में हो गया ये लो 11 बराबर ई माइनस 2 आर। फिर आपसे कह रहा है धारा दुगनी लेने पे टीपीडी 7 वोल्ट हो जाता है, तो 7 लिख दिया, धारा दुगनी कर देंगे तो 4 हो जाएगी, 4 आर ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 2 समीकरण है, इसको सॉल्व करें, ई को आर निकालना है, तो एक काम करें माइनस करें, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस 2 करने पर क्या आएगा, देखिए 11 में से 7 गया 4, ई से ई कट जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 2 आर आएगा, यहाँ से आर बराबर कितना आ गया 2 ओम, ये लो आर का मान तो आ गया 2 ओम। इसको किसी भी समीकरण रख दें, चलो इसको रखता हूँ मैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रख दें इसको, समीकरण 2 में तो 7 बराबर ई माइनस 4 × 2, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, तो ई का मान कितना आ गया 15 वोल्ट, ये लो ई का मान 15 वोल्ट आ गया रिजल्ट। तो इस तरह अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे बच्चों सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ये 38 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 38, 39, 40 में एक क्वेश्चन ऐसा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके अंदर भी दो जानकारी दे रखी है और आपसे पूछा गया है ई कोमा आर का मान, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बच्चों इसी के जस्ट बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है 5-6 क्वेश्चन की, उन एक्सरसाइज के अंदर भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, उसके अंदर भी तीसरा कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। क्या मतलब है कि ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, एक क्वेश्चन ये सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा मॉड्यूल के अंदर, और एक क्वेश्चन जो पीछे 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो तीनों कॉन्सेप्ट के तीनों क्वेश्चन जाएंगे, तीनों ट्राई कर लेना आप। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सेल द्वारा कैपिटल आर को प्रदान शक्ति। ये अपन परिपथ देख रहे हैं, ये परिपथ से बच्चों धारा निकल रही, देखिए इसमें जा रही है आर में, तो सेल इस प्रतिरोध आर के अंदर धारा प्रदान कर रहा है, धारा प्रदान कर रहा है मतलब यहाँ पे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सेल निरावेश हो रहा है, सेल की ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होकर इसमें जा रही है आर के अंदर प्रवेश कर रही है, मतलब आर पर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। तो क्या मतलब है कि जो सेल है प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा कैपिटल आर को दे रहा है उसे बोलते हैं प्रदान शक्ति, क्योंकि आप जानते हो शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा समय, ऊर्जा बटा समय ये होता है शक्ति का मान, मतलब शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय अर्थात जूल प्रति सेकंड मात्र होता है इसका, ठीक है। अर्थात एकांक समय में सेल ने कैपिटल आर को कितनी जूल ऊर्जा प्रदान की, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल द्वारा आर को प्रदान शक्ति, ठीक है। तो चलो शक्ति के ये फॉर्मूले होते हैं, पी बराबर आई स्क्वायर आर, या कहते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वी आई, ये सारे फॉर्मूले आगे आएंगे पढ़ेंगे जब, ठीक है। तो पी बराबर आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर एंड वी आई, ये अपन आगे पढ़ेंगे फॉर्मूले। तो चलो अपन देखें इस परिपथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, पिछले परिपथ में आर को प्रदान शक्ति पी बराबर क्या जाएगा बच्चों, पी बराबर ये लगा रहे, चलो आई स्क्वायर आर लगाएं, आई स्क्वायर आर। अब बच्चों फिर आई का मान अपने निकाल लिया, ये रहा समीकरण 2, यहां से आई का मान रख दें, परिपथ दोबारा नहीं बना रहा मैंने, यही लिख दिया, फिर आई का मान रख दें ई अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, बात पल्ले पड़ी। अब यहाँ पे इसके अंदर देखें, यहाँ पे इसके अंदर इसको मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ कोई ये तो लिखेगा पी बराबर आई स्क्वायर आर, जो ई अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, देखो शक्ति का मान अधिकतम, समझ ना क्या कह रहा हूं मैं, शक्ति का मान अधिकतम कब होता है, जब इस कैपिटल आर का मान हम स्मॉल आर के बराबर लेते हैं, उस समय हमें आर पे अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं आर पर अधिकतम शक्ति हेतु आर बराबर आर होना चाहिए, आर बराबर स्मॉल आर होना चाहिए। तो आर पर अधिकतम शक्ति तभी आएगी जब आर का मान क्या होगा, स्मॉल आर के बराबर होगा, यही कहते हैं स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर होगा, उस समय आर पर शक्ति अधिकतम होती है। कहां से आया रिजल्ट ये, तो बच्चों देखो ये जो समीकरण है हम जानते हैं ना मैक्सिमा मिनिमा पढ़े होगा आपने अधिक, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा होता है उच्च स्टिमुलस पे करते क्या है, जैसे आपसे पी का आपको अधिकतम मान पूछा है तो उसका अवकलन 0 करते हैं,
किसी भी राशि का अधिकतम या न्यूनतम मान हमें करना होता है तो हम उस राशि का अवकलन जीरो करते हैं। तो ये समीकरण दिख रहा है ना, पी बराबर ये इसमें, तो पी का कैपिटल आर के सापेक्ष अवकलन करो, उसको जीरो कर दो, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा आर बराबर स्मॉल आर। ठीक है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, मैं कर नहीं रहा, तो आप डायरेक्ट याद रखें कि आर का मान स्मॉल आर होता है उस समय पी पर शक्ति अधिकतम प्राप्त हो रही होती है। ठीक है, तो हम देखा आर बराबर क्या स्मॉल आर। तो चलो इसकी ट्रिक देखें अपन, क्या बच्चों इसकी ट्रिक देखिए, मतलब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रिक के रूप में, ट्रिक अपन देखें क्या कहना चाहता हूं मैं, कैसे अपन देखें। देखो यहाँ बच्चों ये जो परिपथ आपको दिखा रहा है इसमें, इसमें इस आर का मान किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, देखो इस कैपिटल आर को मैं यहां से हटा दूं और यहाँ पे एक्स वाई बिंदु लिख दूं, एक्स लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने वाई बिंदु लिख दिया और यहाँ से आर को हटा दिया। ठीक है, तो परिपथ में जो शेष परिपथ बचेगा, तो शेष परिपथ जो बचेगा तो हम देख रहे हैं आपसे कहा जाए x और y के मध्य प्रतिरोध कितना आपको दिख रहा है स्मॉल r, कैपिटल r को हटाने के बाद, r को हटाने के बाद x और y के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है केवल कितना है स्मॉल r आ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें कैपिटल r का मान लेना होता है। तो हम कह सकते हैं ठीक है, अपन कह सकते हैं r पर p बराबर मैक्सिमम हेतु आर बराबर क्या बच्चों, आर को हटाने के बाद, आर को हटाने के बाद इसके सिरों के मध्य, ठीक है, आर को हटाने के बाद एक्स व वाई के मध्य, ठीक है, के मध्य तुल्य प्रतिरोध बस ये करना होता, कुछ नहीं करना होता। मतलब जिस प्रतिरोध के सिरों पे मतलब हम बात कर रहा है उसको यहां से अपन हटाएंगे, उसके सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे शेष परिपथ का। तो यहाँ पे देखिए शेष परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है। ठीक है, तो आर बराबर क्या जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, ये आर बराबर स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलो इस पे क्वेश्चन देखें, आपसे कह रहा है कि आर बराबर क्या हो ताकि सेल से अधिकतम शक्ति निर्गत हो, आर का मान क्या हो ताकि सेल से अधिकतम शक्ति निर्गत हो। तो चलो यहाँ पे हम एक काम करें, इस परिपथ को पहले थोड़ा सिंपल रूप में ले आते हैं, इस रूप में। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, समांतरक्रम। तो इसका नेट मान क्या हो जाएगा, 2R होगा, नहीं होगा, इसका नेट मान 2R हो जाएगा। तो नेट मान 2R हो जाएगा, तो उस परिपथ को मैं इस प्रकार दर्शा दूं, देखिए इस प्रकार से नेट मान 2R बन रहा है। तो लिख दिया मैंने 2R, ये लिख दिया 2R, ठीक है, और यहाँ दिखा दिया सेल, ये सेल दिखा दिया अपन ने, ठीक है, ई कोमा आर। अब जो इसके सिरों पे मैंने मार्क कर दिया एक्स और वाई, ये लो एक्स लिख दिया, यहाँ लिख दिया वाई, इसके सिरों पे एक्स और वाई लिख दिया। अब आपसे कहा मैंने कि हमें अधिकतम शक्ति चाहिए, तो अधिकतम शक्ति के लिए यहाँ पे इस 2R का मान किसके बराबर चाहिए, इस 2R को हटाएंगे तो शेष परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा स्मॉल आर। तो हम कह सकते हैं टू आर पर पी बराबर मैक्सिमम हेतु, 2R पर P बराबर मैक्सिमम हेतु, 2R बराबर क्या होगा, 2R बराबर 2R को हटाने के बाद R नेट, 2R को हटाने के बाद शेष परिपथ का R नेट, शेष परिपथ का आर नेट, वही कर रहे हैं एक्स वाई के मध्य तुल्य प्रतिरोध, आर नेट एक्स और वाई के मध्य आर नेट, लो इसको मैंने यहां से हटा दिया दिख गया बच्चा, हट गया ये लो। अब यहां से देखो एक्स और वाई के मध्य शेष परिपथ बच रहा है, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है केवल स्मॉल आर के बराबर, तो क्या जाएगा ये स्मॉल आर, तो 2R बराबर क्या है स्मॉल आर। तो यहां से हम देखें दिस इंप्लाइज आर बराबर क्या जाएगा आर वाई टू, ये आ जाएगा आंसर, आर बराबर आर वाई टू या गया रिजल्ट, हम इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर सेकंड ये इस प्रकार से ये परिपथ दिखा रखा है, आपसे कह रहा है कि 2 वोल्ट बैटरी द्वारा परिपथ को प्रदान शक्ति ज्ञात करो, बैटरी है, ये बैटरी इस परिपथ को कितनी शक्ति दे रही है, प्रदान कर रही है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब अच्छा देखो यहाँ पे आपको समझाता हूं, जब भी परिपथ में कई सारी बैटरियां जुड़ी होती हैं, कई सारे सेल होते हैं, तो कैसे करते हैं स्टार्टिंग, जो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट बैटरी है उसे धारा आई स्टार्ट करें, तो सबसे लार्जेस्ट बैटरी कौन सी है, यहाँ से मैंने आई धारा स्टार्ट की आई, ये और चाहे उसका आगे बंटवारा करें, जैसे मान लो ये संधि बिंदु है, यहाँ से इधर की धारा आई वन, तो उधर कितनी जाएगी आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन इधर जाएगी,
ठीक है, तो इधर से आई वन होती इधर जा रही है, ठीक है, इधर से आई माइनस आई वन इधर जा रही है, आई माइनस आई वन, ठीक है, फिर यहाँ पे आगे दोनों धाराएं जुड़ेंगी, आई वन से आई वन कट जाएगा, इधर कट जाएगी आई, इधर जाएगी धारा आई, ठीक है। अब बच्चों ये अपन देख लिया, अब यहाँ पे देखिए दो अज्ञात राशियां, एक तो आई और एक आई वन, तो पहले हमारा पर्पस है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, धारा आई वन ज्ञात करनी है। तो बच्चों अगर मुझे धारा आई वन पता चल जाए तो हम धारा को वोल्टेज से गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं, शक्ति, क्योंकि हम देख सकते हैं शक्ति का एक फॉर्म यही होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर हमें इसका वोल्टेज पता चल जाए, वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट, और धारा पता चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, शक्ति निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चलो करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे बच्चों उसको सॉल्व, देखिए यहाँ पे पहले हमें धारा निकालनी है, तो हमें हम देख रहे हैं दो अज्ञात राशियां एक आई और एक आई वन, तो पहले केवीएल की सहायता से दो समीकरण बनाएंगे, उनको सॉल्व करके आई और आई वन ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो दो लूप दिख रहे हैं, ऊपर वाला लूप और एक नीचा लूप, इनमें लगाएं केवीएल। तो बच्चों पहले इस ऊपर लूप में लगाएं केवीएल, देखिए इस प्रकार से लगा रहा हूँ केवीएल, मान लो इधर इस दिशा में गया, यहाँ जाके इधर जाके हम वापस यहाँ पहुंच रहे हैं सिरे पर, ठीक है, इस तरह से लगा रहा हूँ केवीएल इस तरह से, ठीक है, इसको हमने लूप नंबर वन बोल दिया है, लूप वन, ठीक है। और एक बार चलो नीचा लूप में लगाते हैं, इसमें लगा रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ केवीएल इस तरह से, यहाँ जाके वापस यहाँ पहुंच रहा हूँ इस जगह इस सिरे पर, ठीक है, ये लगा रहा हूँ लूप टू में केवीएल। तो हम यहाँ पर देखें लूप वन में केवीएल, लूप वन में अपन लगा रहे हैं केवीएल, इस अपन केवीएल लगाए सिग्मा वी को जीरो करें, सिग्मा वी जीरो, तो चौ कैसे लगाएंगे सिग्मा वी जीरो, देखिए यहां से पहले चले इधर, यहां से चलना स्टार्ट हो रहे, यहां से चल के इधर जा रहे हैं, तो पहले रेजिस्टेंस आया, धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चलने पे क्या होता है बच्चों, माइनस आई आर, तो क्या जाएगा माइनस का आई इंटू टू, ठीक है। फिर आ गए बैटरी आई, माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस टेन लिखेंगे, प्लस टेन, फिर यहाँ पे इधर गए बैटरी आई, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का फाइव, इधर गए एक ओम में धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस का आई आर आएगा, तो आई माइनस आई वन इंटू एट, ठीक है, पहुंच गए यहाँ तक, जहां से स्टार्ट हुए थे बराबर कर दो जीरो, एक क्वेश्चन नंबर वन कर दिया। उसके बाद हम चलो लूप टू की बात करते हैं, अब लूप टू में लगाएं कि अपन केवीएल, लूप टू में इस लूप में केवीएल लगाएं, मतलब सिग्मा वी जीरो करना है यहाँ भी आपको, तो यहां से देखिए यहां से स्टार्ट हुए, पहले दो ओम में धारा की दिशा में चल रहे हैं, माइनस का आई आर जाएगा, माइनस आई आर, फिर आगे गए बैटरी आई, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस टेन लिख दिया, फिर यहाँ पे गए बैटरी आई, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का टू लिख दिया, ठीक है, बराबर जीरो, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गई। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें आई और आई वन के मान निकाल लें, तो यहाँ से हम देखें सॉल्व करने पर क्या आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व करने पर यहाँ पर हम देखते हैं आई वन का मान प्राप्त होता है आपको 7 एम्पियर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिजल्ट, आई वन का मान आता है बच्चों 7 एम्पियर आता है, आई वन का मान 7 एम्पियर, ठीक है, यह आ जाएगा 7 एम्पियर। अब देखिए बच्चों समझना बात को, मेन चीज तो निकाली धारा निकाली 7 एम्पियर, अब देखें यहाँ पे, तो देखो ये सेल है, ये सेल में धारा आई वन इसमें जा रही है, तो ये सेल धारा दे नहीं रहा ले रहा है, धारा दे नहीं रहा ले रहा है, अर्थात ये परिपथ को कोई शक्ति प्रदान नहीं कर रहा, परिपथ से शक्ति ले रहा है, तो परिपथ को प्रदान शक्ति क्या कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी, क्योंकि प्रदान थोड़ा कर रहा है तो ले रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां आई वन जो है, आई वन 2 वोल्ट बैटरी में निवेशित हो रही है, अतः यह बैटरी परिपथ से शक्ति ले रही है ना कि प्रदान कर रही है, ठीक है, तो प्रदान थोड़ा कर रही है, तो शक्ति ले रही है, इसलिए प्रदान शक्ति बराबर क्या जाएगा बच्चों, नेगेटिव, प्रदान शक्ति पी बराबर नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। और चो पी बराबर क्या होता है, फिर ये लगा दें वोल्टेज इनटू करंट, तो पी बराबर वोल्टेज इनटू करंट कर देंगे, तो वोल्टेज का मान कितना है इसका 2 वोल्ट, ठीक है, मतलब माइनस वी इंटू आई, तो माइनस वोल्टेज का मान 2, धारा का मान 7, तो कितना क्या कितना जाएगा बच्चों, ये माइनस का 14 वाट यह जाएगा आंसर, माइनस 14 वाट यह जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस पर अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये अपन ने ये इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और
ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तो चलो अब देखिए, यहाँ पे जितना अपन ने पोर्शन पढ़ा है सेल पे, सेल के बारे में, इसमें और भी क्वेश्चन है। ये आपको सॉल्ड एग्जाम्पल 38, 39, 40 मॉड्यूल के तीनों सॉल्ड एग्जाम्पल है। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है सेल से बेस्ड, इनके बिना ये मानो सेल समझना एक अधूरी सी बात है। तो इनको भी आप अपने आप सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल, आराम से समझाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपको समझने भी और कॉपी के अंदर नोट भी करने, ठीक है। तो रिवीजन टाइम तो कॉपी पढ़ोगे ना आप, तो ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल 38, 39, 40 ये आपको होमवर्क है, तीनों कॉपी में नोट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। आई बस में तो अब यहाँ पे अपने ये तो सेल ये पढ़ लिया सेल के बारे में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन सेलों के संयोजन के बारे में। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें सेलों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। पहला तो यहाँ पे सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन, तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समानता संयोजन, दो प्रकार जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम के अनुसार और एक समानता क्रम के अनुसार। देखिए पहले अपन देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, तो इस प्रकार दो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए और या फिर इस तरह से मतलब दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों सेल है वो दोनों के धन सिरे एक ही तरफ हो, ऋण सिरे एक ही तरफ हो, और दूसरी कंडीशन दोनों के धन सिरे अपोजिट साइड में, इसका धन सिरा लेफ्ट साइड में, इसका राइट साइड में। तो दोनों कंडीशन को अपन समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन देखें, जो सेल है बच्चों ये जो फर्स्ट वाला सेल है ये इधर धारा देना चाहता है आई वन, ये वाला सेल ये इधर धारा देना चाहता है आई टू। तो कहना होता है दोनों के दोनों सेल है समान दिशा में धारा देना चाहते हैं, दोनों सेल समान दिशा में धारा देना चाहते हैं, अर्थात एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट कर रहे हैं तो नेट ईएफ जुड़ जाएगा, तो ई नेट का मान क्या आएगा, ई वन प्लस ई टू, ई नेट का मान आएगा ई वन प्लस ई टू आएगा। और प्रतिरोध तो खैर हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, आर वन प्लस आर टू होते ही है। जबकि इस कंडीशन में देखें ये सेल तो बच्चों धारा देना चाहता है इस दिशा में आई वन, ये सेल देना चाहता है इस दिशा में धारा आई टू। तो दोनों के दोनों सेल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं इसलिए ई एफ का मान सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ई नेट का मान क्या आएगा, ई वन माइनस ई टू या फिर ई टू माइनस ई वन, डिपेंड करेगा बच्चों दोनों में से कौन सा सेल बड़ा है, ठीक है। अगर ई वन वाला सेल बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, ई वन माइनस ई टू, और जो परिणामी क्वालिटी बनेगी किसके अनुसार बनेगी, ई वन के अनुसार, मतलब हमें धन सिरा लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा परिणामी सेल का, ठीक है। और अगर E2 बड़ा है तो हम नेट मान लिखेंगे E2 माइनस E1, और परिणामी सेल का धन सिरा हम रखेंगे राइट साइड में, मतलब E2 के अनुसार। और फिर R नेट तो फिर हमेशा R1 प्लस R2 होता है, चाहे उस तरह जोड़े चाहे इस तरह से, R नेट का मान R1 प्लस R2, ठीक है। अब बच्चों यूं सोचिए, मान लो दो समान सेल होते, दोनों के दोनों सेल समान होते, ई कॉमा आर, ई कॉमा आर, तो ई नेट का मान क्या बनता है, ई प्लस ई मतलब टू ई, आर नेट का मान आर प्लस आर मीन्स टू आर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 10 सेल हो तो ई नेट का मान 10e, आर नेट का मान 10r। ऐसे एस सेल हैं, एस समान सेल श्रेणी क्रम में है तो ई नेट का मान बनेगा se, आर नेट का मान बनेगा sr, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये डायग्राम दिखा दिया कि एस समान सेल श्रेणी में है और इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े हुए। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा टॉर्च होती है, टॉर्च आपस में देखिए, ठीक है। टॉर्च में पीछे अपन देखते हैं एक के बाद तीन चार सेल लगे होते हैं, पहला सेल डाला फिर अपन दूसरा सेल डालते हैं फिर तीसरा सेल डालते हैं, तो एक के बाद एक सेल जुड़े हुए, तो सारे सारे सेल क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम। फिर वही श्रेणी क्रम संयोजन किससे जुड़ा होता है, आगे से एक बल्ब से जुड़ा होता है, जिसे हम यहाँ प्रतिरोध आर के द्वारा दर्शा दिया है। तो सारे सेल एक के बाद एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और आगे किसी प्रतिरोध आर से जुड़े हुए धारा आई इसमें प्रवाहित हो रही है। तो चो इस सेल को नेट ईएफ लिख दिया अपने एस ई, कोई एस समान सेल है, ई नेट का मान तो एस ई, आर नेट का मान एस आर, यहाँ दिखा दिया परिणामी सेल एस ई कोमा एस आर, यहाँ से इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इस आई का मान क्या होगा, आई बराबर कैसे निकाल सकते, ई नेट अपॉन आर नेट से, ठीक है। तो चो अब देखिए ई नेट का मान तो एस ई है ही सही, आर नेट का मान एक सिंगल लूप दिख रहा है आपको, सिंगल लूप का मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आर प्लस एस आर या गया आर प्लस एस आर आई का मान, ठीक है। तो चो ये धारा आ गई आई, परिणामी धारा इस पूरे श्रेणी क्रम संयोजन में। अब बच्चों देखो यहाँ पे दो कंडीशन देखें, अगर एक तो कंडीशन कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, और एक बार आर इज लेस देन स्मॉल आर, मतलब एक कंडीशन तो ये कि यहाँ पे कैपिटल आर का मान बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब स्मॉल आर नगण्य है। तो चो यहाँ पे चलो पहले कंडीशन में स्मॉल आर को नगण्य कर दें, इसको नगण्य कर देंगे मतलब इस टर्म्स को अगर जीरो कर दें तो क्या आएगा मान एस ई बटा आर, तो आई बराबर क्या आएगा एस ई बटा आर, ठीक है। सेकंड कंडीशन में कैपिटल आर नगण्य है तो कैपिटल आर को नगण्य कर देंगे तो क्या आएगा एस ई बटा एस आर, एस से एस कट गया तो क्या आएगा ई बटा आर, ठीक है। यह तो चो अब देखिए समझना, जैसे कि अगर परिपथ में जैसे यारी कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन में धारा कितनी आ रही है ई अपॉन आर, चाहे मतलब सेकंड कंडीशन में धारा का मान सेलों की संख्या भी डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे एक सेल जोड़े चाहे दो जोड़े चाहे दस जोड़े चाहे हजार सेल जोड़े, धारा E बटा R ही रहेगी। अर्थात कई सारे सेलों का श्रेणी क्रम यूज करो चाहे एक अकेला सेल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, धारा उतनी रहनी है। अर्थात कोई फायदा नहीं है कि आप हजार सेल जोड़ो, एक ही सेल से वही रिजल्ट आएगा। बट इस कंडीशन में जितना ज्यादा सेल जोड़ोगे, जैसे 100 सेल जोड़ोगे तो 100 E बटा R हो जाएगा, हजार सेल जोड़ोगे तो हजार ई बटा आर आ जाएगा, मतलब ज्यादा सेल जोड़ने पर ज्यादा धारा मिलेगी। किस कंडीशन में,
इस कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है, हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम के लिए इंपॉर्टेंट स्थिति है, इंपॉर्टेंट मतलब श्रेणी क्रम महत्वपूर्ण कब है, श्रेणी क्रम महत्वपूर्ण कब बच्चों, जब कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर स्मॉल आर होता है, ठीक है। चलो ये तो अपने कहा श्रेणी क्रम के बारे में, ठीक है, तो श्रेणी क्रम के बारे में अब देखा, तो समांतर क्रम देखें, समांतर क्रम तो चलो देखिए समांतर क्रम में दो सेल इस प्रकार जुड़े होते हैं, ठीक है, ये सेल है ये यहाँ से इधर धारा देना चाहता है आई वन, ये सेल ई टू ये भी इधर धारा देना चाहता है इस परिपथ में, तो देखिए दोनों दोनों सेल समान दिशा में धारा देना चाहते हैं अर्थात एक दूसरे के सपोर्टिंग नेचर के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है, तो सपोर्ट करें एक दूसरे को, तो इस फॉर्मूला होता है ई नेट बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, मतलब क्या है ई वन आर टू, समझो ध्यान से, ई वन को गुणा करना है आर टू से, ई टू को गुणा करना है आर वन से, ठीक है, ई वन को आर टू से, ई टू को आर वन से गुणा करना है, तो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे में क्या है आर वन प्लस आर टू, और आर नेट का मान क्या समांतर क्रम संयोजन है, तो आर नेट तो मन जानते क्या होता है गुणा बटा योग आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब समझिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बच्चों यहाँ पे देखिए ये सेल जो है ई वन ये यहाँ पे इधर दिशा में धारा देना चाहता है, ये वाला सेल इस दिशा में परिपथ में धारा देना चाहता है, तो हम कह सकते हैं दोनों सेल एक तरह से अपोजिंग कंडीशन मतलब अपोजिंग नेचर विरोध की स्थिति के अनुसार जुड़े हुए हैं, एक दूसरा विरोध कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं इसलिए बीच में आएगा माइनस का साइन। अब सोना मेरी बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए देखो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा मैंने ई नेट बराबर ई वन आर टू, ये डिफरेंस का सिंबल है ई टू आर वन बटा आर वन प्लस आर टू, नीचे तो आर वन प्लस आर टू आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे देखिए ये ई वन आर टू यहाँ पे मतलब समझ लो इसका मतलब है डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर मतलब या तो ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन करेंगे या फिर ई टू आर वन माइनस ई वन आर टू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों कब हमें क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे समझो ई वन आर टू का मान बड़ा है ई टू आर वन से, ई वन आर टू का मान अगर बड़ा है तो हम लिखेंगे ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन, और परिणामी सेल जो बनाएंगे वो बनाएंगे किसके अनुसार ई वन के अनुसार मतलब धन सिरा दिखाएंगे लेफ्ट साइड में, परंतु यदि ई टू आर वन का मान बड़ा है, ई टू आर वन का मान बड़ा है तो सूत्र क्या बन जाएगा ई नेट का, ये बन जाएगा ई टू आर वन आगे आ जाएगा ई टू आर वन माइनस ई वन आर टू बटे में आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और अब की बार परिणामी सेल जो बनाएंगे वो किसके अनुसार बनाना है ई टू अनुसार, इसके अनुसार मतलब धन सिरा में राइट साइड में रखते हुए परिणामी सेल दर्शाना होता है, समझ रहे हो मेरी भावनाओं को क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। और आर नेट का मान तो खैर वही गुणा बटा योग करना ही, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बच्चों देखो अब यहाँ पे दोनों सेल अगर समान होते ई आर ई आर, तो यहाँ पे ई आर प्लस ई आर ऊपर क्या आता है टू ई आर, नीचे आर प्लस आर टू आर, ऊपर टू ई आर नीचे टू आर, टू आर से टू आर कट जाएगा तो क्या आएगा ई नेट का मान ई, ई नेट का मान ई, मतलब दो समान सेल जुड़े हुए समांतर क्रम में ई नेट का मान ई आ रहा है, दस सेल जुड़े होते तो भी ई नेट का मान ई आता, 50 सेल जुड़े हो तो भी ई नेट का मान ई आएगा, मतलब पी समान सेल समांतर क्रम में है तो ई नेट का मान क्या आएगा ई। परंतु यहाँ पे देखें अगर ये दोनों प्रतिरोध समान होते तो आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर कितना बन जाएगा आर बाई टू, तो दो समान सेलों के लिए आर नेट का मान आर बाई टू आ रहा है, 10 होते तो आर बाई 10 होता, ठीक है, तो पी है तो आर बटा पी हो जाएगा आर नेट का मान, ठीक है, तो ई नेट का मान, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समान सेल जुड़े हुए समांतर क्रम में चाहे 100 हो चाहे 1000 हो तो ई नेट का मान ई ही आता है, एक सेल के बराबर ही आता है, लेकिन आर नेट का मान एक बटा पी गुना हो जाएगा। देखिए पी समान सेल समांतर क्रम में, ठीक है, ये परिपथ से आर जुड़ा हुआ है, यहाँ से धारा गुजर के इसमें जा रही है, तो यहाँ से हमने सेल को ई नेट को शो कर दिया ई, ई नेट का मान तो ई आएगा, पी समान सेल है और आर नेट का मान आर बटा पी रख दिया है और ये आर। अब यहाँ से इस परिपथ धारा निकाले तो आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट का मान ई था, कैपिटल आर नेट जो आएगा दोनों सिंगल लूप है श्रेणी क्रम बना रहे हैं तो श्रेणी क्रम में क्या जाएगा आर प्लस आर बाई पी। अब यहाँ पे देखिए वही दो कंडीशन, पहली कंडीशन यहाँ पे स्मॉल आर नगण्य है तो स्मॉल आर को नगण्य करोगे इस टर्म्स को तो क्या आएगा ई बटा आर, लिख दिया ई बटा आर। सेकंड कंडीशन में कैपिटल आर नगण्य है तो कैपिटल आर नगण्य कर देंगे, इसको नगण्य कर देंगे तो पी चल जाएगा ऊपर तो पी ई बटा स्मॉल आर यह आ जाएगा। तो बच्चों आपकी यार देखिए जितने ज्यादा सेल अपन जोड़ेंगे उतनी ज्यादा धारा मिलेगी, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, क्योंकि 100 सेल जोड़ेंगे तो यहाँ 100 से गुणा हो जाएगा, जबकि इस कंडीशन में कितने भी सेल जोड़ लो धारा उतनी आ रही है, वाला सेलों की संख्या पे डिपेंड नहीं कर रही। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन के लिए महत्वपूर्ण कंडीशन कौन सी, ये वाली। तो हम कह सकते हैं समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए इंपॉर्टेंट स्थिति है, महत्वपूर्ण स्थिति है, इंपॉर्टेंट स्थिति, ठीक है। तो ये अपने पढ़ी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की थ्योरी हो गई, इससे अपने तुल्य ई नेट और आर नेट का मान ज्ञात करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलो खैर ये थियोरिटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया आज के लिए, इतना बहुत है। कल इसको पे आपको मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, किस पे, सेलों के संयोजन पे कल अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वैसे मॉडल के अंदर दे रखें 3-4 एग्जाम्पल, तो उन सॉल्व एग्जाम्पल को एक बार आप खुद पढ़ के आना, फिर मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा इसे ही, ठीक है। तो चलो खैर कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।